राज्य सरकार की वादा खिलाफ है और अस्थायी वेतनमान नहीं मिलने से नाराज सैकड़ों पारा शिक्षकों ने धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आपात बैठक की और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। पारा शिक्षकों ने आगामी 20 जुलाई से लगातार अनिश्चित काल तक मुख्यमंत्री आवास घेराव का निर्णय लिया है। मीडिया से बात करते हुए शिक्षक नेताओं ने बताया कि हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो चुनाव के दौरान उन्होंने पारा शिक्षकों से यह वादा किया था कि राज्य के सभी 62,000 पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक का दर्जा देते हुए उन्हें स्थायी वेतनमान दिया जाएगा, लेकिन उनकी सरकार बने अब 5 वर्ष पूरा होने को है लेकिन अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। सरकार को हमने टाइम दिया, बहुत टाइम दिया। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि आप वादा से पीछे हट रहे। हमारे पास आके हमारे बैठक में आपने घोषणा किया कि तीन महीना देकर देखिए हमको इस राज्य का मुख्यमंत्री बना के दिए, 3 महीना के अंदर हम आपको वेतनमान देंगे। आज वेतनमान छोड़िए, हम लोग खोज रहे हैं मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री उधर से भाग रहे हैं। क्यों भाई, क्यों भाग रहे हैं? हमारा सामना करने में क्या दिक्कत है आपको? आज राज्य के आज 20 साल काम करने के बाद हमारा साथी कोई रोड पर मर जाएगा ना, तो कफन के लिए भी हमको पैसा उठाना पड़ेगा। धिक्कार है ऐसे सरकार पे। हमने इस राज्य को क्या दे दिया? अपना पूरा जवानी दे दिया, बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे अब? आज जगन्नाथ महतो जी के देहांत के बाद जो है यह सरकार हम लोग को जो है अनाथ कर दिया। किसी तरह कोई बात हम लोग को नहीं सुना जा रहा है। मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे, कभी मिल नहीं रहे हैं। तो यह आक्रोश है। अब समय है, चुनाव आ गया, फिर देखिए 5वां साल आ गया, अब चुनाव आ रहा है। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। अमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए अमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।